नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या विवाह होने के बाद आपका तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद क्या दूसरे विवाह का योग बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार से ये मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है। हम किसी बात को कितनी गहराइयों तक सोचते हैं उसके बारे में बताती है। और ये बुद्ध पर्वत से चलकर गुरु के पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, जिसको कि हम प्रेम की रेखा कहते हैं। ये बड़ा अजीब सा विषय है, ये दर्दनाक विषय हम कह सकते हैं। जीवन में खुशी आई और वो खुशियां सारी सिमट के एक तलाक में बदल जाती है। और कई लोग अपने जीवन में टूट जाते हैं, दोबारा शादी करने का निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन सौभाग्य है किसी का इस जीवन से ऊपर उठकर अपनी दूसरी लाइफ के बारे में अवश्य सोचते हैं कि मुझे शादी टूटने के साथ दुख तो होता है, लेकिन वो दोबारा संयोग से एक बंधन में बंधना चाहते हैं, जिसको कि कहते हैं हम तलाक के बाद दूसरा विवाह। सबसे पहले विवाह टूटता कैसे है कि हमारी विवाह रेखा, विवाह रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो और विवाह में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और ये विवाह रेखा जब भी हृदय रेखा में मिलती है, एक दूसरे में वैचारिक मतभेद को कायम कर देते हैं। और ऐसे लोगों का एक दूसरे के साथ जो प्रेम की भावना है वो खत्म होने लगती है। हृदय रेखा से मिलना हृदय का जो डिसीजन है, जो प्यार का डिसीजन है, वो खत्म होने का नाम ले रहा है। और यही रेखा अगर आपकी मस्तिष्क रेखा में मिल जाए और उसे काट दे, काटने का मतलब जो हमारे मन का डिसीजन है, जो हमारा विचार है, उस शादी से हम इतना प्रभावित थे, इतना परेशान थे कि टूटने का संयोग बता देती है और ये शादी को तोड़ देती है, ये शादी को तोड़ने का काम करती है। लेकिन शादी तोड़ने का और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि हमारी ये भाग रेखा और ये भाग रेखा में दीप हो। दीप हमारे हस्तरेखा का एक नियम है, कहीं भी होता है अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। और इसी निम्न मंगल से, ये निम्न का पार्ट है, निम्न मंगल इसको हम बोलते हैं, निम्न मंगल का पार्ट, निम्न मंगल। ये निम्न मंगल जो होता है वैसे तो जोश भरने का काम करता है, पराक्रम को दिखाता है, शक्ति को दिखाता है, लेकिन अगर वही मधुर जीवन नहीं बनता तो उसको तोड़ने का भी काम यही करता है। और यहां से एक रेखा निम्न मंगल से इस हमारे हृदय रेखा में काटे और वहां पर दीप हो, ऐसे लोगों का जो संयोग होता है शादी का वो टूट जाता है। इसी तरह से अब टूटने के बाद हम देखते हैं कि क्या वो दूसरा योग बनेगा शादी का। जैसे कि मंगल पराक्रम दिखाता है, हिम्मत दिखाता है, साहस दिखाता है, और ये निम्न मंगल से एक रेखा चली और ये टूट गई, और टूटने के साथ ही फिर दोबारा से ये शुक्र की तरफ यहां से चल पड़ी। शुक्र क्या है? हमारा घर परिवार है, हम फिर उसी अपनी दुनिया में आना शुरू करते हैं।
एक वैवाहिक रिश्ते को जोड़ने का काम करती है ये शुक्र का जो पार्ट है, मजबूत हो और ये एक रेखा के साथ एक रेखा फिर चल पड़े, ऐसे लोगों का विवाह टूटने के साथ या तलाक होने के साथ एक दूसरा विवाह हो जाता है, ये दूसरे विवाह का संयोग बताता है। इसी प्रकार से ये जो हमारी भाग रेखा है, भाग रेखा को हम अपने कैरियर से देखते हैं, अपने हर एक्टिविटी जो हमारी ग्रोथ बताती है उसके बारे में देखते हैं, लेकिन यही भाग रेखा हमारी, ये भाग रेखा चली और ये टूट गई बीच में, और यहां से फिर एक भाग रेखा चली, इसका मतलब जो हमारा प्रेम का संचार था वो खत्म था, टूट गया था, हमारे जीने की इच्छा को समाप्त कर रहा था, हमारे व्यवसाय को खराब कर रहा था, हमारी इच्छा को समाप्त कर रहा था, लेकिन यही जो भाग रेखा दोबारा से आगे की तरफ अग्रसर होती है, ऐसे लोग फिर एक अपने जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं, जीवन को जीने का एक लक्ष्य बना लेते हैं और फिर दोबारा से शादी का संकेत बनाते हैं और दूसरा विवाह हो जाता है। अगर आपके हाथ में ऐसे लक्षण है तो आपका शादी के बाद टूटने के बाद दूसरे विवाह का संकेत बताता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।